खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा। जिला ललितपुर ब्लॉक मड़ावरा सैदपुर की मंडी में कम से कम 4,300 अन्ना जानवर हैं। वहाँ अनाज बिल्कुल नहीं बिकता है, पूरे में अन्ना जानवर है। लोग काफ़ी परेशान हैं। लोग कह रहे हैं कि हम लोग ललितपुर जाते हैं तो किराए भाड़ा ही खर्च होता है और हम लोगों को हादसा का भी डर लगा रहता है। हम लोग यही चाहते हैं कि यहीं खरीदारी हो, हम लोगों को सही रेट मिले और एज अन्ना जानवर यहाँ से गौशाला के लिए हटाए जाएं। हाँ, मंडी बनाई गई हो, कोई भी फायदा नहीं मिलती है। और सरकार ने बहुत सौ रुपया लगाया, 3-4 साल में बनी है और कुछ फायदा नहीं मिलती। यहाँ के लोग बहुत से परेशान हैं। यहाँ से ढोर वह कहीं हटाए जाएं और यहाँ पर गल्ला खरीदा जाए कि मंडी खुलवाया जाए। वो व्यापारी वर्ग वहाँ धांधली करते हैं, कम ज़्यादा तोलते हैं गांव में और अंदर तुलाई करते हैं। कंप्यूटर में 2-4 किलो मार दिए जाते हैं जो हम लोग नहीं जानते हैं, इसलिए मंडी में खुलेआम बेची जाए, हमारी अच्छा दाम मिले ताकि हम ललितपुर नहीं भागना जाए। और यहाँ पर किराया भाड़ा कम लगता है, गांव के किसान हैं हम लोग। किस गांव के लोग परेशान हैं मंडी से और ये इधर से ढोर हकवाए जाएँ और फार्म में गौशाला खुलवाई जाए, फार्म में ढोर करे जाएँ। हम लोग की फसल अभी तो बंद किए हैं, फिर अगली फसल बोती है रबी वाली, तो उससे वो नुकसान होगा। तो या ढोर बाहर के करे जाएँ इस मंडी से, हम लोगों की अच्छी खरीद होगी। इधर दिक्कत ये है कि अगर अन्ना जानवर रहेंगे तो हमारी तो फसल उजाड़ देंगे किसान की। हमारे आसपास ग्रामवासी और अदर गांव में हैं, सबको परेशानी है। इस वजह से तहसीलदार से कह के और गांव ग्राम प्रधान से कह के और ऊपर से आदेश था, इसलिए सब ने मिलजुल के यहाँ पर बंदी कर दी। यहाँ से जानवर हटाए जाएं, यहाँ पर बहुत परेशानी है, गल्ला नहीं आता है। ललितपुर ले जाते हैं तो बहुत सी परेशानियाँ आती हैं कि खाना माना नहीं मिलता है, तो 2-4 दिन डरे रहते हैं हमारे परिवार के। और बहुत परेशान हैं इस जानवरों से, नाज नहीं उगा पाते हैं, नाज भी खा लेते हैं पूरे। DM साहब सुन गए, DM साहब ने आदेश करा था कि पशु स्थल केंद्र बनाओ जिससे किसान परेशान भी हुई जी। लेकिन हम लोगों का रोजगार क्यों बंद कर रहा? हम लोग हर मंडी में थे, उसी मंडियों में जैसे कहते हैं रोजगार लग रहे थे, वो पशु स्थल बनाने तरह बना देते। हमारे यहाँ कुल मिला के तहसील में 9 अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल बनाए गए हैं शासन के निर्देश पे और जिलाधिकारी महोदय के आदेश पे। तो हम लोग कुल मिला के 4,300 अन्ना जानवर अपने तहसील के हैं। इन सारे जानवरों को हमारे जो डगडगी वाला केंद्र है वो अस्थाई गोवंश आश्रय स्थल बनाया गया है। तो साढ़ूमल, सौरई, सैदपुर, अपनी मंडी मड़ावरा, रणगांव मंडी, इसके अलावा और भी जहाँ बचे हैं जानवर, इन सबको सह गई डगडगी में परमानेंट गौशाला में शिफ्ट किया जाना है। और हर ये स्थल पर जितने 9 हैं वहाँ समिति बनाई गई है, लेखपाल, सेक्रेटरी, प्रधान, हर गांव सभा के इसके सदस्य। वो मंडी में आधे हिस्से में जहाँ पीछे वाला हिस्सा है वहाँ जानवर रखे गए हैं, वो भी टेम्प्रोरी हैं। उन सबको हम लोग 1-2 हफ्ते के अंदर होली के पहले डगडगी पहुँचाए। हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें।